ये छोटा सा हमने एक लेक्चर तैयार किया है, बहुत ही ब्रीफ सा ना, डेटा के ऊपर। कि डेटा के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जिसमें आपको पता है कि डेटा को पहले हम जब एआई की इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि डेटा जो है ना इस न्यू ऑयल, तो इसका मतलब ये है कि अब जितना भी आपका ऑनलाइन काम चल रहा है सारा डेटा के ऊपर चल रहा है। ठीक है, वो जितना भी आपका अगर ऑटो पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, या आपका फेसबुक चल रहा है, या आपका गूगल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वो सारा का सारा डेटा पे चल रहा है। अब डेटा इटसेल्फ है क्या? उसका मतलब क्या है? क्या आप जब आप बहुत सारे लोग बात करेंगे डेटा डेटा डेटा, बट व्हाट डज इट मीन एक्चुअली ना, ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन डेटा फॉर्म होती है? इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन डेटा जो है ना वो बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है आपकी ना। मसलन के आप अगर घर के बाहर बैठे हुए हैं और आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स गुजर रहे हैं आपके सामने, गाड़ियां गुजर रही हैं, इंसान गुजर रहे हैं, कुछ छोटे एनिमल गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो गुजर रही है या आपके पास जा रही है, ये नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है कि कितने नंबर्स वहां से गुजरे, या आप ऑब्जर्व कर रही हैं चीजों को। मसलन अगर आप आसमान की तरफ देखें तो आप देखेंगे जी जो बादल हैं वो इधर उधर से जा रहे हैं, तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, वो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। या अगर आप देखें कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, वो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। या आप मैयर कोई चीज करते हैं, मसलन आपने देखा कि आप कोई ऐसी चीज बाहर है जिसको आपने उसको उसकी लेंथ मेजर आपको करनी है या उसका वेट मेजर करना है, वो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, या लैंग्वेजेस आप देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते रहते हैं, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके पास। ठीक है, टेक्स्ट आप देखते हैं कि आपके अखबार है या न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स हैं, ट्वीट्स हैं, आपके पास गूगल की इंफॉर्मेशन है, तो कुछ चीजें पढ़ रहे होते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रही होती हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है। और पिक्चर्स आप हजार किस्म की पिक्चर्स देख रहे होते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मशीन लर्निंग के ऊपर है वो ये तीन पीस है, पिक्चर्स, टेक्स्ट और लैंग्वेजेस। ठीक है, इसी के अंदर ये बाकी चीजें आ जाती हैं, मेयरमेंट, ऑब्जर्वेशन, नंबर्स, इसी के अंदर आ जाती हैं। आप लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप स्पीच रिकग्निशन करते हैं, मसलन आपने इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश में आपकी ट्रांसलेशन करनी है कंप्यूटर के जरिए, या एलेक्सा या सीरी जो काम करते हैं वो लैंग्वेजेस के जरिए करते हैं। फिर टेक्स्ट रिकग्निशन है कि जब आप गूगल पे टाइप करती हैं हो और जी, तो उर्दू में लिखकर दे देता है, वो टेक्स्ट को रिकग्नाइज करता है। या पिक्चर्स हैं, वो आपने पिक्चर्स देती हैं मेल और फीमेल की, या कैट्स एंड डॉग्स की, या किसी, तो उसको जब आप अलग अलग करते हैं तो वो भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हमारा जो ज्यादातर मशीन लर्निंग के या डीप लर्निंग के ऊपर जो ज्यादातर आपका पाला पड़ता है वो इन तीन चीजों के साथ, इन तीन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपका पाला पड़ता है। ठीक है, ये उसके जिमरे में आ जाती है, नंबर्स में हो सकता है, ऑब्जर्वेशन में हो सकता है, या मेजरमेंट की फॉर्म में ये हो सकता है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी डेटा है, डेटा को मैंने कह दिया कि वो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ रही है, वो तीन चार फॉर्म में आ रही है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रही है, तस्वीर की फॉर्म में आ रही है, लैंग्वेज की फॉर्म में आ रही है, नंबर्स जो है वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो भी आपकी किसी ना किसी तरीके से डॉक्यूमेंट करेंगे, मेयर करेंगी वो भी डॉक्यूमेंट करेंगी किसी ना किसी फॉर्म में, वो टेक्स्ट के जिम्मे में आ जाएगा, या आप पिक्चर्स लेके आप बताना शुरू कर देंगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ सा एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने शुरू करूं कि जब आपके पास एक रॉ डेटा है, आपके पास एक कुछ डेटा आ गया है, वहां से आपने इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है और फिर नॉलेज कैसे निकालना है वहां से। ठीक है, हम इसमें चीज में फर्क समझें कि डेटा का होना इटसेल्फ वो उसका उसका इतना फायदा नहीं है जितनी देर तक आप उस डेटा में से कुछ ना कोई इंफॉर्मेशन नॉलेज ना निकालने। मसलन ये अगर आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही, ये सारा व्हाइट कलर में चीजें पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ की शेप्स हैं,
कोई आपको समझ नहीं है, ये आपने बाहर बैठे आपने चीजें ऑब्जर्व की, चीजें देखी, चीजें सुनी, आपने एक जगह पे रख दी, तो शाम को आपको पता चल जाए यार ये चीजें हैं, अब ये है डेटा, लेकिन ये डेटा यूजलेस है जितनी देर तक इसके अंदर ना आप जाएंगे, इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं आप निकालेंगी। ठीक है, अच्छा आपने ये किया कि आपने थोड़ी सी स्ट्रगल किया, आपको समझ आ गया कि अच्छा यार इसकी शेप्स मुख्तलिफ है, तो आपने हर शेप को कलर दे दिया। ठीक है, आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई कि जो रेड कलर है वो एक खास पैटर्न में है, जो येलो है वो खास पैटर्न में है, जो ब्लू है वो खास पैटर्न के अंदर है, ये इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन है क्या? ठीक है, मतलब मैं ये कहता हूँ जी के वहां से 15 गाड़ियां गुजरी, उनमें से 4 जो है ना वो टोयोटा गुजरी, 4 होंडा गुजरी और बाकी की जो थी ना वो वॉक्सवैगन थी, ये तो इंफॉर्मेशन होगी। अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ठीक है, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ आ तो गए कि आपने डेटा लिया, उस डेटा से आपने ये तो बता दिया कि अगर इसकी 15 जो गाड़ियां थी उसके अंदर 4 टोयोटा थी, ठीक है, 4 जो थी वो होंडा थी और बाकी जो थी ना जो रेस्ट जो थी ना वो वॉक्सवैगन थी। ठीक है, अब चलें बड़ी अच्छी बात, आपने को ये पता चल गया, अब करना क्या है इसका, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, उसको जब आपने डॉट कनेक्ट करने शुरू किया तो वो एक आपका नॉलेज बन गया। ठीक है, अब आपके पास एक नॉलेज की फॉर्म में ये चीज आ गई, आपको ये समझ आ गई कि यार ये वाला जो डेटा है ना ये खास पैटर्न में, जब आपने इसके डॉट कनेक्ट किए, ठीक है, उनको कनेक्ट किया तो आपको ये समझ आ गई कि यार ये वाली चीजें जो है ना ये खास पैटर्न में नहीं है बल्कि एक इसकी खास फॉर्मेशन भी है। कि आपने ये देखा कि ये जो सर्कल्स थे वो इस तरह खास जगह पे पड़े हुए थे। ठीक है, अब ये जो था आपका रेड डॉट से वो तकरीबन डॉट कनेक्ट किए तो एक एस की फॉर्म बन गई, या जो दूसरे ये पर्पल जो क्रॉस थे वो एक खास फॉर्म में पड़े हुए हैं। ये इसको आप विजडम का नाम ले सकते हैं अगर आप इससे से मैसेज आपने निकाल लिया कि इसके अंदर मैसेज क्या हिडन है, तो ये आपकी विजडम होगी। ठीक है, ये नॉलेज आपको पता चल गया कि इसके अंदर है क्या, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर 90% लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, नॉलेज भी आ गया। यहाँ पर जो लोग हैं वो अटक जाते हैं, अच्छा इन्फॉर्मेशन भी आ गई। मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना वो यहीं पर अटक जाते हैं, जी डेटा तो है, उसमें से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, फिर उसमें से कुछ लोग आगे निकल जाते हैं जो कि उसमें से नॉलेज निकालते हैं। लेकिन उस नॉलेज के बाद क्या है, उस नॉलेज के अंदर क्या है चीज, वो विजडम। वो विजडम क्या है कि आपने देखा चाहे यार ये जो पैटर्न बना है इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा ऐसा मैसेज है, कौन सी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है। मतलब एक तो जाहिर इंफॉर्मेशन ना यहाँ से, फिर इसके ऊपर आगे इसके अंदर एक हिडन इंफॉर्मेशन है, वो विजडम है, उस तक आपने पहुंचना है। ठीक है, अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपका सर्कल ये सारा मुकम्मल हो जाता है। बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि यहाँ तक पहुंचते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, और उनका काम भी वहीं पे नॉलेज की हद तक होता है, उसके बाद विजडम तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब डेटा टाइप्स की हम बात कर लेते हैं कि डेटा जो मैंने ये जो आपको बताया ये तो मैंने सिंपल सी आपको बात बताई, लेकिन टाइप्स डेटा के जो मुख्तलिफ इकसाम भी होंगी। एक कैटेगोरिकल डेटा होता है, ठीक है, एक आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होता है, ये दो टाइप्स हैं। कैटेगोरिकल डेटा मतलब ये है कि आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं 2 या 3 हिस्सों में, ठीक है। न्यूमेरिकल का मतलब ये होगा कि नंबर्स की फॉर्म में आपके पास डेटा होगा। अब कैटेगोरिकल डेटा की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर एक नॉमिनल डेटा होता है। नॉमिनल डेटा वो होता है जो कि अनऑर्डर्ड होता है, उसके अंदर कोई ऑर्डर इस्तेमाल नहीं होता। मसलन अगर आपके पास 10,000 लोगों का इंफॉर्मेशन, मेल और फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेल्स पहले आ रहे हैं या फीमेल्स पहले आ रहे हैं, डेटा डेटा है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो रेंडमली भी पड़े हुए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ, ठीक है। या अगर आपके पास 3 कलर है, रेड ब्लू ग्रीन की फॉर्म में डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रेड सारे टॉप पे हैं, ब्लू टॉप पे हैं या ग्रीन टॉप पे हैं, वो उनके लेबल रेड ही है या ब्लू है ग्रीन है, इस सीक्वेंस में उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। या अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अप डाउन में है, मसलन आपने देखा कि एक बंदा यहाँ से गुजरा वो अप चला गया, दूसरा डाउन चला गया, तीसरा अप, चौथा डाउन, पांचवा डाउन चला गया एलिवेटर में, ठीक है, तो वो किस सीक्वेंस में जा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये देखना है कि वो अप गए हैं कितने, डाउन कितने गए हैं, वही आपको नजर आएगा,
ठीक है, उस वही इंफॉर्मेशन जरूरी है। ये नॉमिनल डेटा है, येस नो में जब आप जॉब देते हैं, 1000 स्टूडेंट है, जब आप क्वेश्चन येस नो करते हैं कि येस है नो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि येस पहले वाले थे या नो वाले पहले वाले थे या रैंडमली, से फर्क पड़ता। ये जो डेटा होता है नॉमिनल, ये अनऑर्डर्ड होता है, इसमें ऑर्डर का कोई मकसद है, कोई इसका अमल दखल नहीं होता। मैरिड नॉ मैरिड नॉट मैरिड में ये भी वही फॉर्म है। अब एक डेटा आपके पास ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल डेटा ऐसा होता है जिसमें के अंदर एक ऑर्डर होता है, उसको अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, नॉलेज चेंज हो जाती है, विजडम चेंज हो जाती है। मसलन अगर आपके पास हाई मीडियम लो है, मसलन मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छा कॉफी का आप टेस्ट बताएं, ठीक है ना, टेस्ट बताएं कॉफी का, तो एक आप हाई कहते हैं या आप उसको मीडियम कहते हैं या आप लो, तो ये आपको एक ऑर्डर के जरिए रखना होगा, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्डर आप नहीं रखेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। लिहाजा कुछ डेटा होते हैं वो ऑर्डर की फॉर्म में आते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की जब आप बात करें वो भी एक ऑर्डर्ड पोजीशन है, आपको फर्स्ट का आपको पता है कि कहाँ पे खड़ा होगा, सेकंड का कहाँ पे खड़ा होगा, थर्ड कहाँ पे खड़ा होगा, या ए बी सी का सीक्वेंस आपको पता है कि जब ऑर्डर होगा तो ए बी सी डी होगा, अगर ऑर्डर नहीं होगा तो वो वाला सीक्वेंस नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये तो होगा ऑर्डिनल डेटा हो गया। फिर आपके पास डिस्क्रीट डेटा आ जाता है। अब डिस्क्रीट डेटा इस तरह का होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, मसलन कितने नंबर ऑफ किड्स कितने हैं इस क्लास के अंदर, नंबर ऑफ कार्स कितने हैं इस पार्किंग लॉट के अंदर, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं इस हॉस्पिटल के अंदर, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं इस बैंक के अंदर। ये वाली जो नंबर्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होती है। फिर आपके पास कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन आ जाती है। कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप मेजर करते हैं, मसलन आपने टेम्परेचर मेजर किया, लेंथ मेजर की, हाइट मेजर की, और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप मेजर करते हैं वो कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। आई होप के ये जो बेसिक डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, डेटा टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको आगे चल के फायदा देगी जब हम मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल बनाएंगे, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स बनाएंगे, तो फिर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या था। क्योंकि द वेरी फर्स्ट थिंग आपको होगा आप डेटा देखेंगे तो पहला क्वेश्चन होगा, अच्छा डेटा किस फॉर्म में है, क्या ये कैटेगोरिकल डेटा है या न्यूमेरिकल है, अच्छा यार ये कैटेगोरिकल, अच्छा ये ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, अच्छा अगर ये न्यूमेरिकल है तो क्या ये डिस्क्रीट की फॉर्म में या कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है। तो इस चीज को देखकर फिर आपने फैसला करना है कि मैंने मशीन लर्निंग का कौन सा मॉडल लगाना है, अगर डेटा लेबल्ड है या लेबल्ड नहीं है तो फिर आपने वहां से फैसला करना होगा। मसलन अगर आपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना है तो आपके पास अगर कैटेगोरिकल इनपुट आती है तो आउटपुट भी आपके पास कैटेगोरिकल होगी। मसलन अगर आपके पास मेल और फीमेल की फॉर्म में डेटा है तो आउटपुट भी आपको मेल और फीमेल की फॉर्म में जाएगी। अगर आपके पास येस और नो की फॉर्म में डेटा है तो आउटपुट भी येस और नो की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप, ये मॉडल आपने क्या बनाना है ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कौन सा मॉडल, कौन सा एल्गोरिथम आपने लगाना है, क्या आपने एसवीएम लगाना है, आपने केएनएन लगाना है, आपने रिग्रेशन लगाना है, क्या लगाना है, वो डिपेंड करेगा कि आपका डेटा किस फॉर्म में है और आप चाहते क्या है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में अंदर है, 1 2 3 4 की फॉर्म में है, तो आपका आउटपुट भी 1 2 3 4 की फॉर्म में होगा। तो आई होप के यहाँ तक आपको डेटा की टाइप समझ आ गई होगी, डेटा की जो लैंग्वेज है वो समझ आ गई होगी, उसकी जो लिंगो है वो समझ आ गई होगी। और जब आपको ये समझ आ गई, जब आपने ये डेटा डाल, आपके पास ये डेटा आ गया और आपको ये लेबल उसको कर लिया कि ये डेटा जो है क्या ये कैटेगोरिकल है या ये दूसरा था न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कौन सा मॉडल लगाना है, ठीक है। कैटेगोरिकल भी आपको ये समझ आ जाएगी कि ऑर्डर है या नॉन ऑर्डर है, न्यूमेरिकल में भी समझ आ जाएगी ये कॉन्टीन्यूस है या डिस्क्रीट है, तो मॉडल आपको क्या, आपने कौन सा एल्गोरिथम लगाना है वो आपको समझ आ जाएगी। और जब वो समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इस प्रोसेस को मुकम्मल करना। आई होप इट मेक्स सेंस, एंड इफ यू हैव क्वेश्चन और कमेंट्स लेट मी नो। थैंक यू।